दर्शन, पूजन, अध्ययन, अध्यापन, मजबूती, अपना कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए मंदिर का दर्शन आवश्यक है। प्रत्येक दिन मंदिर जाइए, मंगलवार को अपने आसपास के लोगों के साथ इकट्ठा होकर के अवश्य मंदिर जाइए। एक व्यक्ति अगर सनातनी अगर जागे और कहे कि प्रत्येक लोग अपने घर के प्रत्येक सदस्य के साथ मंदिर जाइए, तो सोच के देखिए कि बगल वाले जो समझ गया, हाँ, उसकी क्या हालत होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम आलोक है, रांची झारखंड से ये कुंडली आई है। और भगवान ने पूछा है कि कोई काम कंप्लीट होने में कभी काफ़ी परेशानी होती है और वक्त भी लग जाता है। बुध वक्री हैं और एकादशवें भाव के अधिपति भी हैं, वो सूर्य राहु के साथ, और शनि जो हैं वो दशम भाव पे देख रहे हैं। शनि का प्रभाव पंचम भाव पे भी है और शनि का संबंध द्वितीय भाव से भी है। तो दशम स्थान पे शनि के संबंध से, शनि की दृष्टि से जाने से सरकारी क्षेत्र का लाभ बनेगा, पर आपकी कुंडली का चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का है, जिसके कारण चंद्रमा पापक हो जाएंगे, जो सरकारी नौकरी से और सूर्य राहु के साथ बैठे होने से थोड़े से, और दशम भाव के अधिपति के तृतीय भाव में जाने से सरकारी नौकरी का जो प्रभाव है वो कमज़ोर होगा। मतलब यह आपके जीवन में सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो ये 3-4 प्रमुख कारण होंगे। पहले सूर्य राहु के साथ, दूसरा बुध वक्री और सूर्य के बिल्कुल निकटस्थ होकर के जन्म कुंडली में लाभेश होकर के, धनेश होकर के बैठे हैं, तो धन तो देंगे पर वक्री होने से थोड़े वो कुपित हो जाते हैं। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ और तीसरे भाव में, इस वजह से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, मतलब वो नौकरी में दिक्कत थोड़ी सी कर सकते हैं। पर नौकरी मिलने के चांस कैसे बन रहे, तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य लग्न में, गुरु नीच के हैं इस वजह से, पर दृष्टि यहाँ पे है तो थोड़ी कमजोरी है, तो गुरु नीच के हैं इस वजह से अंक कम मिलता है आपको और छोटे छोटे अंकों से आप छट जाते हैं, ये बात है। तो गुरु और शनि सबका संबंध दशम भाव से बना तो सरकारी क्षेत्र के लाभ अवश्य हैं। मेहनत बढ़ाइए क्योंकि चंद्रमा भी निगेटिव है, शनि ठीक है तो गुरु कमज़ोर हो रहे हैं, और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे में चले जा रहे हैं, सूर्य राहु के संपर्क में आ जा रहे हैं, बुध वक्री हो जा रहे हैं, तो ये इतनी सारी कमजोरियाँ। मजबूती, दशम स्थान के अधिपति जो है वो शनि से प्रभावित तो नहीं है पर दशम स्थान पे शनि की दृष्टि है। चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल और छठवें भाव के अधिपति शनि, मंगल और शनि का कोई संबंध नहीं है, ये दोनों षडाष्टक में हैं, इस वजह से भी सरकारी नौकरी में दिक्कत हो रही है। बुध आने वाले हैं आपकी कुंडली में 2024 के पाँचवें महीने से, और अभी आपकी कुंडली में दशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो एक तो आपकी कुंडली में शनि इस कुंडली के लिए मारक, और दूसरे वह आपकी कुंडली में बाधक भी, बाधाएं भी उपस्थित करेंगे, शनि अपना नेचर प्ले करेंगे, और गुरु इस कुंडली में जो बनते हैं वो सिंह लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश, मेहनत करने के बाद परिणाम वो नीच का है, इस वजह से व्यक्ति को रिकग्निशन, मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो नहीं मिलता या देर से मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में जिम्मेदार हो रहा है, जो आपके परिणामों को आपसे प्राप्त नहीं करा रहा है या आपसे सटा नहीं रहा है, वो जन्म कुंडली में नीच के गुरु, लग्न में राहु और सूर्य का प्रभाव और केतु का प्रभाव, शनि जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी, और शुक्र चंद्रमा जन्म कुंडली में तीसरे भाव में। हालांकि शुक्र और चंद्रमा तीसरे भाव में खराब नहीं है क्योंकि शुक्र वहीं वहीं के अधिपति, पराक्रम के अधिपति शुक्र बने, वहीं बैठ गए, पराक्रम भाव ठीक हो गया। पराक्रम का कारक मंगल भी ठीक है क्योंकि वो उनके साथ बैठ गया, तो पराक्रम का कारक और पराक्रम का अधिपति, भाव का अधिपति और भाव का कारक दोनों एक साथ बैठ गए, और दूसरा शुभ ग्रह जन्म कुंडली में चंद्रमा वहाँ बैठ गया पापग्रह होकर के, और एक ऐसे भाव का अधिपति बन के जो इस कुंडली में सिर्फ आपका क्षय करा सकता है।
तो 12वें भाव के अधिपति, और चंद्रमा को 12वें का दोष नहीं लगता और 12वें भाव में चंद्रमा की राशि बने तो वो दोषी नहीं होती, पर 12वें भाव के अधिपति जहाँ बैठते हैं उस भाव में 6 अवश्य करते हैं, तो चंद्रमा थोड़ा सा निगेटिव रोल भी वहाँ पर दे रहे हैं। वस्तुतः आपका भाग्य ठीक होगा क्योंकि भाग्य भाव पे दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी और भाग्य भाव के अधिपति मंगल उसे देख रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में नवा भाव बहुत बढ़िया और तीसरा भाव बहुत बढ़िया। लग्न भाव भी ठीक बनेगा, सूर्य और बुध व्यक्तित्व तो ठीक है, एनर्जी ठीक है, बुद्धिमता, यशस्विता, गुण, बुद्धिमता और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो नारायण का भक्त। आपने पूछा है ना सवाल, मेरे पास भगवान की भक्ति करने का बड़ा मन करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि सूर्य और बुध बैठे हैं। अब आपकी कुंडली में अगर ये गुरु नीच के नहीं होते तो ये बात और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती, और सूर्य अगर राहु के साथ नहीं होते तो ये बात और भी ज़्यादा पुष्टित हो जाती। लेकिन हाँ, इतनी बात कहूँगा कि लग्न में सूर्य बैठे हैं बुध के साथ, तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ, तार्किक बनाने के साथ साथ, ऑब्जर्वेटिव बनाने के साथ साथ, क्रिटिकल कंडीशन में भी व्यक्ति हमेशा अपना साहस और धैर्य बना करके रखता है, पर थोड़ी बहुत चिंता उसके पास हमेशा बनी रहती है क्योंकि दशम स्थान से सूर्य केंद्र में है और दशम स्थान पे गुरु और शनि की दृष्टि है, जिसमें शनि की दृष्टि कई बार आपको परेशान कर रही है क्योंकि वो मारक है, तो जहाँ जहाँ देखेगा उसको मारेगा। पर वो जहाँ जहाँ देख रहे हैं वो कौन कौन सा भाव है, तो शनि तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं जो इनके मित्र की दृष्टि है, यानी कि दशम भाव के लिए शनि की दृष्टि खराब नहीं है, द्वितीय भाव के लिए शनि की दृष्टि खराब नहीं है, पर पंचम भाव के लिए शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पंचम मेष तो पहले ही कमजोर हैं और पंचम भाव पे शनि की मित्र राशि बनी भी नहीं है, वो सामान्यतया संतुलित होकर के आपको थोड़े विलंब से परिणाम दे रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति के मेहनत के बाद परिणाम कमजोर मिलता है। तो आपको मनाना किसको है, क्योंकि अभी शनि की दशा चल रही है, 2024 के 5वें महीने तक देव गुरु बृहस्पति उसके अंतर में है, तो शनि और गुरु का जो संबंध बनेगा वो कैसा बना है, तृतीय एकादशवें का अंतिम अंतिम में कुछ परिणाम वो दे सकते हैं, इस वजह से लगे रहिए। और अभी बुध की दशा आ रही है जो आपको प्राप्त करवा सकते हैं, तो अभी मैं समझता हूँ कि आपके पास 1997 के हैं, आपके पास बल है अभी 2027 के 10वें महीने तक, नहीं तो कम से कम 2000। ऐसे एक बात बता देता हूँ, आपने जो एक सवाल पूछा है कि क्या सिर्फ सरकारी नौकरी से ही धन इकट्ठा करके उसको फायदा पहुंचाया जा सकता है जातक को, मैंने कहा नहीं, दशम भाव के अधिपति हैं, तृतीय में बैठे हैं, खुद का कारोबार अवश्य कर लेना चाहिए, या उसके साथ साथ ये ग्रह ये इशारा कर रहे हैं कि जरूर ही कोई ऑप्शन ढूंढ लेना चाहिए, इस पर अवश्य विचार करिएगा। अब आपकी कुंडली में मैं पंचांग पर लेके आता हूँ, आपकी कुंडली का पंचांग जो बना है वो बना है, जन्म कुंडली भाद्रपद माह की है, व्यक्ति सुंदर है, सुशील है, यशस्वी है और स्वस्थ है, उसकी आयु अच्छी है, पर पेट का रोगी जरूर हो सकता है। शरद ऋतु में जन्मे हैं, अपने काम में आलस्य नहीं है, दूसरों के काम में आलस्य भी नहीं है, अपने काम में थोड़ा आलस्य होगा, ये गलती बोल गया मैं। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मबल कमज़ोर मत करिएगा, पिता का सम्मान आवश्यक है, इम्यून कैसे बरकरार रखना है, पीली चीज़ों का धारण करना जीवन में ज़्यादा लाभकारी होगा। रविवार को जन्मे हैं, बुद्धिमान अच्छे हैं, पिताधिको अति चतुरस्त तेजस्वी समरप प्रिय, पीत वर्ण के हैं, शहद का इस्तेमाल जीवन में ज़्यादा करिए, सूर्य की आराधना आवश्यक है, आप कभी भी किसी से हारेंगे नहीं। लेकिन ये भाव कमज़ोर है, इस वजह से ज़्यादा कोर्ट कचहरी के मामले में मत पड़िएगा, नहीं तो दिक्कत होगी और आपका रिकग्निशन आपको विलंब से मिलेगा, इस वजह से मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, अंक पाने के लिए मेहनत थोड़ी बढ़ानी चाहिए। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा अच्छे नहीं होते, पापक होते हैं, इस वजह से धन के आने की गति, व्यक्ति का इम्यून, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की मानवता, व्यक्ति का जो प्रभाव है, व्यक्ति का बैलेंस करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने विचारों को कैसे जो है वो प्रेषित करना है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में कमज़ोर होती हैं, इस चीज़ पे फोकस अवश्य ही बढ़ा देनी चाहिए। वैधृति योग उतना ठीक नहीं है, कौलव कारण ये ठीक होगा, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण प्रतियोगिता जीवन में ज़्यादा ना रखें, किसी से अपनी तुलना ना करें, हर व्यक्ति के पास अपना अलग अनुभव होता है और हर व्यक्ति के पास अपना अलग जो है वो नेचर होता है, अलग अपनी अपनी प्रकृति है, अलग अलग सद्गुण और दुर्गुण लेकर के सभी पैदा होते हैं, भविष्य को देखने की क्षमता आपके पास अद्भुत है, उसको देखने का प्रयास करिए और बहुत ज़्यादा किसी को बुरा भला कभी ना कहें, आप अगर कुछ ऐसा कह देंगे तो उस पर घटित हो जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। शूद्र वर्ण के हैं, इस वजह से सांसारिक जो लिप्तता है वो ज़्यादा ना बढ़े और बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति ना हो,
तो अच्छी बात होगी, संसारिक चीज़ों से अपने आप को निवृत्ति की तरफ लेके जाइए। बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। एक बात बताता हूँ, अभी मैं तो नाम तो नहीं लूँगा पर बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लोग लेते हैं जो सिर्फ सफल हुए हैं दो चीज़ों में, यूट्यूबर और दूसरा उनके पास 5 करोड़ की गाड़ी है तो 10 करोड़ की गाड़ी है। और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी साक्षात जो हैं वो एकदम मूर्ख हैं। हाँ, मूर्ख हैं, मूर्ख ही कहूँगा। चाहे आप किसी भी चैनल पे, जो भी जिसका इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला, दोनों एक नंबर के बेवकूफ़, दोनों ही बेवकूफ़। इसको मैं अंतर स्पष्ट करता हूँ। इंटरव्यू लेने वाला पूछता है आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, और इंटरव्यू देने वाला कहता है मेरे पास 5 करोड़ की एक गाड़ी है। ये इंटरव्यू लेने वाले और देने वालों के बीच का संवाद है। एक इंटरव्यू लेने वाला कहता है ये दार्शनिक हैं, और एक दूसरा इंटरव्यू लेने वाला कहता है मैं खुद दार्शनिक हूँ, जबकि दोनों को ही दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है। इंटरव्यू भी जो लिया जाता है ऐसे ऐसे लोगों का, लोग और ऐसे ऐसे लोग आजकल प्रचारित हो रहे हैं कि पूछो मत। मार्केटिंग ज़बरदस्त है, कभी बता दूंगा। तो ये बात यहाँ तक रही। लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं, और सूर्य जो हैं वो जन्म कुंडली में अच्छे हैं, खराब नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो आपको अनुभवी बना रहे हैं, और कुंडली कमज़ोर नहीं है। आपकी कुंडली के आधार पर 8 अंक अच्छा होगा। मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं, सूर्य कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं, ये तीनों ही ग्रह। तो सूर्य तो ठीक है, राहु के साथ नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। गुरु अगर नीच के नहीं होते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। मंगल अगर जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, हालांकि उन पे केतु की दृष्टि है तो खराब नहीं होगा। चंद्रमा जैसे और शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो मंगल ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का भाग्य ठीक है, और लग्न ठीक है, भाग्य ठीक है, ये भाव ठीक है, तीन भाव ठीक है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा बुध और गुरु दाम्पत्य ठीक है, शुक्र और सूर्य, यहाँ सूर्य की कमजोरी परेशान आपको नहीं करेगी। यहाँ राहु हैं, थोड़ी कष्ट की स्थिति, आर्थिक रूप से विपन्न, और व्यक्ति ऋण अगर ले लेगा तो निकलना मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा ऋण वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। व्यापार निश्चित रूप से कर सकते हैं, मुझे तो लगता है कि आपको भविष्य में व्यापार ही करना पड़ेगा। चंद्रमा और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, मंगल आपको अपग्रेड करेंगे, सूर्य और गुरु आपको एक तरीके से ढाढ़स, साहस, बल, पराक्रम और दृष्टिकोण और चीज़ों को समझने की क्षमता, कैसे क्रिएटिविटी अपने अंदर समाहित करनी है, चीज़ों को कैसे समझना है, किसके प्रति कैसा उत्तर देना है, और परिस्थिति के हिसाब से कैसा भाव बदलना है, ये गुरु और सूर्य कर्म क्षेत्र के लिए आपके लिए लाभदायक होंगे। और जब कभी भी गुरु की दशा आएगी थोड़ा काम बढ़ेगा और एक्टिव भी होंगे। दशम स्थान के अधिपति तृतीय में, लग्न के अधिपति लग्न में, लग्न बलवान, राहु के कारण कन्फ्यूज़न और बहुमुखी, कई बार व्यक्ति के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से खुद को बहुत ज़्यादा ऑप्शन में मत रखिएगा, एक से बढ़े दो। अमर अकबर अकबर एंथनी वाली स्थिति में मत जाइएगा, नहीं तो पता चला कि ऋषिकेश नरजीत जीते ना उनके डायरेक्टर, कोई था जो अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू में देख रहा था कि वो पहली बार बोल रहे थे कि हम लोग इस सीन पे हंस रहे थे कि एक से निकल रहा है वो ब्लड और तीन में जा रहा है। उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि बड़ी अच्छी, मतलब वो हंसी आती है। आप जब देखेंगे वो फिल्म देखेंगे तो क्या दिखाया है, एक तरफ माता जो है वो बिस्तर पे लेटी हैं, उनमें तीन बच्चों का खून जा रहा है, तो वो फिल्मों में ही होता है। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, और बिल्कुल ही ज़्यादा एक से बढ़ के दो, दूसरे से के बाद तीसरे पे मत जाइएगा। व्यापार अवश्य ही आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से व्यापार करने के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। सूर्य और शुक्र से संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अब वो बात की बात रहेगी कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, पर वो मंथन करने के बाद, पर ये कुंडली ऐसे है। अब एक बात और बता देता हूँ, आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति का लग्न में बैठना महाधनी योग, पराक्रम के अधिपति का पराक्रम के कारक के साथ बैठना चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ, पर वो बहुत अच्छा बना है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि आपकी कुंडली में आपके पितरों का, पूर्वजों का, माता का, पिता का बल है। और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में माता से संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन वो ठीक हैं। हाँ, पिता भाव के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में, और पिता का कारक सूर्य राहु के साथ है, शनि की दृष्टि है, गुरु नीच के हैं, आदर सम्मान में कभी कमजोरी मत करिएगा। माता के साथ भी संबंधों में, स्वास्थ्य पे उनका विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी।
तृतीय भाव के बाद चतुर्थ भाव के अधिपति पीछे हैं, घर से दूर रहने के योग बने हैं। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो बड़ी अच्छी बनी हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगी। बाहर जाना होगा तो आप जा सकते हैं, वैसे शनि का प्रभाव है। बारहवें भाव के अधिपति चंद्रमा तृतीय भाव में गुरु जो हैं वो ऊंच की दृष्टि से देख रहे हैं, वैसे योग है पर बहुत ज़्यादा नहीं। पहले प्रयास अपने पास ही कोई काम करने का करिएगा। दिशा वगैरह आपकी कुंडली में पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी, धन कमाने के लिए आप पूर्व दिशा में जा सकते हैं। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के, इस वजह से स्नेह पुत्र का, स्नेह पिता का, स्नेह समाज का, आदर और प्रेम और रिकग्निशन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। पेट का रोगी और व्यक्ति का हृदय क्षेत्र प्रभावित होता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। ये इतनी बात मैंने बताई, अब आपको मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कहाँ था मैं, बुध पे, यहाँ पंचम भाव पे था, तो पंचम भाव की स्तुति ठीक है, चतुर्थ के बाद पंचम, पंचम भाव की स्तुति नीच के हैं ये बात बताई। छठवें और सातवें भाव के अधिपति शनि अष्टम में बैठे हैं, ये विपरीत राजयोग बनेगा। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं योग बनाएंगे वैसे, क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ हैं और जन्म कुंडली में पराक्रमेश के साथ हैं, तो ये भी जो है वो कई बार आपके इमोशन को, कई बार आरंभ में थोड़ी मशक्कत होती है, बाद में चल करके वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका इम्यून और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है। बुद्धिमान होता है, तार्किक होता है, समझदार है, ज्ञानी है, इन सब चीज़ों में कोई कमजोरी नहीं है और उसको पता है कि जीवन को कैसे जिया जाता है, उसके पास अनुभव बहुत अच्छा होगा। आठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु हैं, नीच के हैं, परिवर्तन भी हुआ है, नीच भंग हो जाएगा पर अलग तरीके का, उसे बहुत मजबूती नहीं मिलेगी क्योंकि गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं, तो वक्री ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कमज़ोर है। और विशेषतया मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ आपके पास बुद्धिमता अवश्य ही हमेशा बनी रहेगी और कुछ न कुछ शत्रुओं से लड़ने का बल आपके पास हमेशा रहेगा। वस्तुतः आपके पास आयु हमेशा ही अच्छी रहेगी और भाग्य भाव के अधिपति भाग्य को देख रहे हैं, तो पितरों का बल, पूर्वजों का बल, भविष्य और आने वाला जो जन्म है वो भी बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कर्म अगर अच्छे करते रहेंगे तो निस्संदेह ये कुंडली और भी अच्छी बन सकती है। दशम भाव के अधिपति तृतीय में ये व्यवसाय करवाएंगे, अगर व्यवसाय करने के लिए मजबूर हुए कभी, आप नौकरी नहीं लगी तो उसमें शुक्र के ही कारण नौकरी नहीं लगेगी, ये भी बात बोल देता हूँ। दशम के बाद एकादशवें के अधिपति लग्न में प्राप्त होने के लिए योग बने हैं, मेहनत थोड़ी बढ़ाइए। बारहवें के अधिपति तृतीय में ये विपरीत स्थिति तो नहीं बना रहे हैं, बना तो रहे हैं लेकिन आपसे आपकी मेहनत का परिणाम भी छीन रहे हैं। अब ये बात है, अब आपको मैं लग्न पे लेके आता हूँ। सात डिग्री का मघा नक्षत्र का तीसरा चरण लग्न के अधिपति बनेंगे, मघा नक्षत्र के अधिपति बुध और इस मघा नक्षत्र के अधिपति केतु और चरण के अधिपति, तीसरे चरण के अधिपति बन जाएंगे बुध। बुध की दशा इस कुंडली में अच्छी नहीं जाती है पर इस कुंडली में वापस वो अच्छी जाएगी। और एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में बुध जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, लाभेश होकर के, धनेश होकर के, तो धन वो देते रहेंगे। उस बुध के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, शनि मंगल का नहीं है लेकिन राहु केतु का अवश्य है। इस वजह से वो तार्किक, बुद्धिमान, समझदार, ज्ञानी और ज्ञान चक्षु से अंतरप्रेक्षी होता है, बहुत अंदर से किसी भी चीज़ को समझने वाला, गूढ़ और रहस्यमयी और कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव को लेकर के पैदा होता है। पुण्य कर्म करने वाला, पुण्य अर्जित करने वाला और अपनी समझदारी से अपने प्रत्येक विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल कर देने वाला होता है। भाग्य का बल रहेगा, कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में एक तारीख बहुत अच्छी रहे, आठ तारीख भी अच्छी रह सकती है। ये दो चीज़ें, पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी, नक्षत्र के आधार पर श्रमण, चित्रा नहीं, अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, स्वाति, भरणी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु और पुष्य, ये मैंने बात बताई। इतने सारे नक्षत्र, कोई भी काम करना हो कर लीजिएगा। इसके बाद दिन रविवार और गुरुवार मांस भक्षण बिल्कुल बंद, सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल चालू, नियमित होना आवश्यक है। आप बीमार रहते हैं और शरीर पे बाल कम सूर्य के कारण, राहु के साथ है ना, तो वो खलवाट योग भी लगा देता है। रोगेश जो है वो जन्म कुंडली में विपरीत योग बना रहे हैं और लग्न पे राहु केतु का प्रभाव सूर्य के एक साथ, और जन्म कुंडली में सूर्य राहु के साथ होते हैं तो नेत्रों से, पेट से, चिंता से, धन से, बालों से, डैंड्रफ वगैरह की शिकायतें, बाल पकने की शिकायतें आदि 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 चीज़ें देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सरसासन वगैरह किया करिए, अनियमित मत होइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, घर की सफाई खुद से करिए। मंगल आपकी कुंडली में शत्रु के साथ तो नहीं बैठे हैं पर सम राशि के बैठे हैं, इस वजह से मैं उन्हें खराब नहीं कहूँगा। और चंद्रमा जो है वो पापक हैं, इस वजह से नेत्रों की समस्या, तो ऐसे ज्योति वगैरह आपकी नेत्र की ज्योति कमज़ोर नहीं है वो ठीक है। पुण्य अर्जन करने का योग है, शनि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होंगे तो ही ज़्यादा अच्छी बात होगी।
और ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। अब क्या बताऊँ, ग्रह बल बता देता हूँ। आपकी कुंडली में सूर्य के पास 25% से भी कम बल है, चंद्रमा के पास बिल्कुल कम बल है। इन दोनों को ठीक करिए, यानी कि दर्शन, पूजन, अध्ययन, अध्यापन, मजबूती, अपना कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए मंदिर का दर्शन आवश्यक है। प्रत्येक दिन मंदिर जाइए, मंगलवार को अपने आसपास के लोगों के साथ इकट्ठा होकर के अवश्य मंदिर जाइए। एक व्यक्ति अगर सनातनी अगर जागे और कहे कि प्रत्येक लोग अपने घर के प्रत्येक सदस्य के साथ मंदिर जाइए, तो सोच के देखिए कि बगल वाले जो समझ गया, हाँ, उसकी क्या हालत होगी। तो मंदिर जाना आवश्यक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये दोनों ठीक है और आपको अनुभव देंगे। बुध और गुरु की दशा में अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करिएगा, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जर्वेटिव बनिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। शनि और शुक्र 25% के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। राहु और केतु की दशाएं आपको कमजोर कर सकती हैं, इस वजह से उस दौरान थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। भवन वगैरह कभी भी खरीदना हो, मंगल की दशा बहुत अच्छी रहेगी और गुरु की दशा बहुत अच्छी रहेगी। कुछ भी नया काम करना हो अपने लिए, सूर्य की दशा अच्छी रहेगी। बचना होगा चंद्रमा, गुरु, शनि और शुक्र की दशाओं में। इस कुंडली के लिए बुध, इस कुंडली के लिए शनि, इस कुंडली के लिए चंद्रमा अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए गुरु, इस कुंडली के लिए मंगल, इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे होते हैं। क्लियर है? होरा कुंडली की चर्चा एक बार हो जाए तो जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा ये धनदायक होंगे। शुक्र, गुरु, बुध और शनि ये मेहनत के साथ धन देने वाले होंगे। संपूर्णतया आपके पास संतान का सुख है, संतति यशोवान और ऑपरेशन करके होने वाली होती है। माता पिता का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, पिता बड़े अच्छे और सिद्धहस्त देखे जा रहे हैं। माता का सुख आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आने के बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है या उनके स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में होगा और अपने खुद के बल पर व्यक्ति भवन भी इकट्ठा करेगा, वाहन भी भोगेगा, पर किसी ऐसे बिल्डर वगैरह से बच के रहिएगा क्योंकि गुरु नीच के हैं जो आपको कम से कम नुकसान आपका ना पहुंचा दे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं बताई है? तो आपकी कुंडली में आपने एक बात पूछी है मुझसे, उपासना वगैरह वाली बात। दरअसल आपकी कुंडली में शुक्र 12वें हैं और गुरु का प्रभाव लग्न में है राहु केतु के साथ। जिम्मेदारी तो नहीं छूटेगी पर आप भोगी मत होना तो बात बनेगी। और हमेशा ही जितना ज़्यादा हो सके भगवान नाम की चर्चा, राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप स्मरण करते रहिए और जल्दी से ही किसी से गुरु दीक्षा ले लीजिए। अंतर्मन से जागृत करिए मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। गुरु के जीवन में आ जाने से सत्संग का चक्र जब आ जाता है दोनों भुजाओं पे, तो व्यक्ति साक्षात जो है वो परमपिता को प्राप्त कर जाता है और उसके द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। मस्तक में तिलक आवश्यक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।